कपड़े मत निकालना प्लीज फ्रेंड्स फ्रेंड्स। हाँ हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। मैं रेहान और मैं हूँ साहिल। तो आज हम देखने वाले हैं दो टीजर्स। पहला है हिंदुस्तानी 2 और दूसरा है स्त्री 2। भाई दोनों के पार्ट 2 ये। तो भाई ये दोनों मोस्ट अवेटेड मूवी है इस साल की और दोनों ही सुपर हिट मूवी अपने टाइम की जो पहले पार्ट्स थे। तो यार एक ट्रेलर है एक टीजर है, तो हिंदुस्तानी 2 का ट्रेलर देख लेते हैं एंड देन टीजर देखते हैं स्त्री का। तो पहले शुरू कर देते हैं हिंदुस्तानी 2 का ट्रेलर। शंकर ने डायरेक्ट की है। कैसा देश है आए वाले? पढ़े लिखों के लिए काम नहीं, काम है तो उस लायक पगार नहीं, टैक्स भरो पर फिर भी फैसिलिटीज नहीं। ओके लाइक का चोर चोरी करता ही रहेगा, अपराधी अपराध करता ही रहेगा। हम जब देखो दुनिया को ब्लेम करते रहते, सिस्टम ठीक नहीं है, इसे ठीक करना होगा, मुंह फाड़ के चिल्लाते हैं, लेकिन इसे ठीक करने के लिए हम एक दिन का भी नहीं हिलाते। We are just barking dogs. इसीलिए तो ऐसे भौंक रहे हैं। सबका विनाश करने वाला एक हंटिंग डॉग आना चाहिए। पर क्या ऐसा कोई है? एक था। हाँ, इंडियन हिंदुस्तानी नेम सेनापति फ्रीडम फाइटर। ऐसा कर्मा है सर? कर्मा नहीं वर्मा है। उन्हें वापस आना है। अपराध किया तो उससे बच नहीं सकता, ये डर होना चाहिए। रोबोट की याद दिला, डर था वो, डर था उसका। मेरे करियर में एक ही केस अधूरा छूट गया था, सेनापति। सोच रहा हूँ इसके एंटी इंडियन होने की घोषणा कर दूँ क्या? इंडियन का एंटी बचपन में। हाँ, वो झूठ मत बोल, पॉलिटिशियन करते हैं ना ऐसा। आप ही ने सिखाया था ना? ओ, अब बड़ा हो गया हूँ तो बोल रहे हो ये सब करना पड़ेगा। ये दूसरा स्वतंत्रता का जन्म है, गांधी के रास्ते में तुम, नेताजी के रास्ते में मैं। क्या बात है। भाई साहब, उनकी दो उंगली वाला वो चला था पिछले, उसमें भी ना पाओगे। टॉम एंड जेरी का जीरो टॉलरेंस शुरू हो गया अभी। भाई साहब डरे भाई। इसमें एक जो डायलॉग दिया है कि उसको देशद्रोही घोषित कर रहे थे, कोई कमल हासन को देशद्रोही ना घोषित कर दे ऐसी मूवी बनाने के लिए। ये बात सही है, सीधा सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं बेसिकली। ये देश काल अभी भी कुछ इस तरह से चल रहा है, रिश्वतगरी चरम पर, नौकरी किसी के पास है नहीं है, तो सैलरी इतनी है कि उस नौकरी का कोई मतलब नहीं, महंगाई इतनी ज्यादा है। सेम मतलब आज की सिचुएशन पे बनाई है पिक्चर। एक चीज ये भी है कि जो करप्शन है उसके अंदर जो सिस्टम है, मतलब उसके अंदर का ही पार्ट हम भी है, और कहीं ना कहीं सम हाउ हम भी करप्शन कर ही देते हैं। रिश्वत देने वाला भी, देने वाला भी करप्शन का ही पार्ट है, देना भी तो गलत ही है ना। अब हम भी तो ये सोचते हैं कि अपना काम जल्दी हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा या कोई वजह से, लेकिन एक बात है ना यार, अगर काम सच में ईमानदारी से हो जाए तो अपन भी क्यों करप्शन का सपोर्ट देना ही नहीं पड़े, क्यों देंगे हम रिश्वत? हमको पता ही है कि रिश्वत के बिना काम नहीं होगा, इसलिए हमको देना पड़ती है रिश्वत। बेसिकली ये चीज़ें हैं। तो भाई ऐसा एक्चुअली में ये मूवी तो ठीक है, आ रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा सच में कोई इंसान आना चाहिए यार, सच में जो पूरे सिस्टम को हिला डाले, और कोई भी पैसे लेने से पहले उसको डर लगे कि मैं पैसे ले रहा हूँ, कोई कोई देख तो नहीं रहा, गलती से अगर किसी ने समझ गया तो मेरा क्या होगा। डर ही नहीं है अब तो यार, खुले में करप्शन होती, डायरेक्ट बात होती है, हाँ भाई यहाँ का ये रेट है, ये रेट है, ये रेट है, ये वाला सीन हो गया है बस। अबे हमारे ऊपर कोई तो लाइफ पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है, मतलब ये नहीं कि कोई भी ये बोलता ही नहीं कि ये गलत हो रहा है, गलत नहीं, इजी मतलब लोगों ने इसको आदत बना लिया है कि हाँ ये तो होना ही है, वो तो देना ही पड़ेगा, वो अगर वो सीट लेनी है तो इतना तो देना ही पड़ेगा, वो तो होना ही है। अभी पेपर लीक का मामला आपने सुना होगा, तो वो कैसे हुआ वो आप समझ सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी देश में धीरे धीरे करके खुल रही हैं, तो लेट्स सी। कई लोगों को
कई लोगों पे इस चीज़ का काफ़ी बुरा असर पड़ता है, तो वो भी सब दिखा है इस मूवी में। बिल्कुल बिल्कुल, एंड आई लव द ट्रेलर एंड द वे, और इतने बहुत सालों बाद ये मूवी फिर से आई है, और इसके जो डायरेक्टर है भाई वो भी मेरे को बहुत पसंद है, शंकर। बहुत अच्छी अच्छी मूवीज बहुत बढ़िया मूवी बनाई उन्होंने, 2.0 रोबोट और ये सब, आई सबसे बेस्ट तो वो थी यार आई। और शायद वो भी इन्होंने बनाई ना अपरिचित, अपरिचित भी मूवी नेक्स्ट लेवल है, मतलब सस्पेंस थ्रिलर एक्शन ये सब मूवी का डायरेक्शन जो है ना बिल्कुल पकड़ के रखता है इंसान को, एकदम थ्रिल करके रखता है, मजा आता है। तो मजा आया भाई, अब देख लेते हैं अगला ट्रेलर, सॉरी टीजर, स्त्री टू का टीजर, स्त्री टू का, तो शुरू कर देते हैं स्त्री टू का टीजर, हियर वी गो। ओ भाई स्त्री की मूर्ति बन गई, धूप से नहला रहे उसको, वो स्त्री रक्षा करना। अच्छा द लीजेंड इज बैक, ये तो आ गई सच में। रक्षा करने आ गई, पर रक्षा कर किससे रही है? हमने आपकी चोटी काट दी थी, गरम तेल की मसाज करेंगे ना तो फट से आ जाएगी वापस। हम पलट रहे हैं, हमारे कपड़े मत निकालना प्लीज। फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स हैं। ये क्या था, ये बहुत शानदार था भाई, टाइम से आया वो जो था ना वो वाला, वो वाला सही था एंड वाला यार। वो मेरे को स्त्री तो वही दिख रही है जो वही है, मतलब किसी तरह से बुलाते हैं ये लोग, आई डोंट नो क्यों बुलाते हैं, वो बुलाते ठीक है, वो उस पर उसकी शक्ति तो सब खत्म हो जाती है, उसकी चोटी काट देते श्रद्धा कपूर और उसकी चोटी में लगा लेते, कुछ तो करते होंगे यार ये लोग, क्या पता श्रद्धा कपूर, बहुत बड़ी मिस्ट्री होगी इसमें यार, वो क्या क्यों किया उसने ऐसा। लास्ट एपिसोड में भी जो है, लास्ट क्लाइमेक्स में जो क्लाइमेक्स में छोड़ के चले गए थे वो सवाल के, वो श्रद्धा कपूर उसकी चोटी चुटी आंखों से जोड़ लिया था और गायब हो जाती है, हाँ फिर वो करती क्या है, वो सही बात है, एक क्वेश्चन श्रद्धा कपूर ने ऐसा किया क्यों, वो क्या चाहती है आगे, उसका मिशन क्या है। मेरे ख्याल से तो इस मूवी के अंदर भी श्रद्धा कपूर ही लीड होने वाली है, वो स्त्री का जो कैरेक्टर है दिखा नहीं रहे अभी इस टीजर में, उस तरह से नहीं दिखाया श्रद्धा कपूर को, लेकिन कहीं ना कहीं श्रद्धा कपूर इसमें वही क्या बोलते हैं ट्विस्ट ला देंगी कुछ ना कुछ, ऐसा चीज कर देंगी, या हो सकता है स्टार्टिंग में दिखा दे वो वाले सीन को कि क्या हुआ था उसके बाद, तो और उसके बाद कहानी आगे बढ़ेगी, वापस स्त्री वापस कैसे आती है और उसकी पावर वापस कैसे आ जाती है। एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है क्योंकि बहुत बड़ा सवाल छोड़ के चले गए थे और इन्होंने उसकी चोटी काटी थी उनकी जो फटी हुई है ना भाई नेक्स्ट लेवल, और जो एंड में अचानक से उसको दिखाया ना तो बिल्कुल ऐसा डर सा लगा यार, म्यूजिक नेक्स्ट लेवल यार, वैसे ही डर वाला म्यूजिक वो का भाई, पूरा स्त्री वाली कॉन्सेप्ट पूरा बरकरार रखा इन्होंने, और ये डेफिनेटली सुपर हिट जाने वाली है मालूम है इसका, 10% मूवी देखने भी जाना ही है, तो ये तो जाना ही है भाई डेफिनेटली, पहले ही दिन जाएंगे 15 अगस्त को भाई ये तो, हाँ 15 अगस्त को छुट्टी भी है, मस्त देखेंगे इस पिक्चर को, तो देखना कंफर्म है भाई, फिल्म ऐसी होना कि मतलब इंसान का मन करे कि भाई इसको तो देखने जाना है, वो वाला सीन है इसके साथ, तो उसको डेफिनेटली देखने जाना है, तो इतना जाना है भाई, तो ये दोनों मूवीज जो है ना वो मस्ट वॉच और लिस्ट, मतलब वॉच लिस्ट बोलते हैं ना ये हमारी वॉच लिस्ट वाली मूवीज हैं, और डेफिनेटली ये मूवीज तो हम जरूर देखने जाएंगे, और ये तो डेफिनेटली जाऊंगा, हो सकता है इंडियन 2 हम शायद ना जाएं या जाएं टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये तो भाई ऐसी मूवी है ना कि इसका हम सालों से इंतजार कर रहे हैं, वो श्रद्धा कपूर ने जो चोटी काट के अपने पास रखी है ना, हम जानना चाह रहे चोटी का कटा किया है, तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाके पता करेंगे कि इसने चोटी का किया क्या है, तो भाई ये था हमारा रिएक्शन, एंड कैसा लगा आपको बताइए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जल्दी मिलता है अगले वीडियो में, जल्दी मेक लव नॉट वॉर।